अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आज मैं लेके आई हूँ चोड़ी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर ली है। इसमें वन बड़ा वाला जो चम्मच होता है ना, जिसको भी मैं यूज़ करूँगी, वो चम्मच से मैंने एक चम्मच उतना तेल डाला है। उसमें मैंने 50 ग्राम उतने पीनट डाले हैं। अभी ये सबको हमें अच्छे से भूनना है। 50 ग्राम मैंने ये डाल लिया है, जो चटनी में डालते हैं ना इडली वाली में, वो है चना है भुना हुआ। इसे हमें अच्छे से भून लेना है फ्रेंड्स। अच्छा क्रिस्पी हो जाना चाहिए ये, और गैस एकदम फास्ट भी नहीं होना चाहिए, स्लो भी नहीं होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे रखा है मैंने, और इसको थोड़ी देर भूनते हैं। और ये चोड़ा बहुत ही फेमस है, और इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं जाता है, और चोड़ा भी बहुत सारा बनता है। और मैंने खट्टा मीठा बनाना है ये चोड़ा, और इसकी रेसिपी आप देखिए बहुत ही अच्छी है, आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी है। तो अभी मैं इसमें ड्राई कोकोनट डालूँगी लंबा लंबा काट कर, और उसको भी इसमें पहले मैंने इसलिए नहीं डाला है ड्राई कोकोनट, क्योंकि वो बहुत जल्दी रेड हो जाता है, मतलब क्रिस्पी हो जाएगा, तो ये थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको थोड़ा बाद में डालना है। ओके, तो अभी मैं कोकोनट ऐड कर देती हूँ इसमें, और इसको भी थोड़ा सी भूनना है, ज़्यादा नहीं है, कोकोनट जल्दी से क्रिस्पी हो जाता है। और अभी इसके अंदर मैं हरी मिर्ची, करी लीव्स बारीक बारीक काट लिया है, चॉप कर लिया है, ग्रीन चिल्ली, और ये लहसुन है जो मैंने छिलटे के साथ ही 10-12 कलियाँ कूट लिया था। और करी लीव्स है, फ्रेश करी लीव्स डालिएगा, उसके स्मेल जो आती है फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना उसमें से। और ये हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ ली है, हाफ़ टी स्पून जीरा लिया है, इसको भी अच्छे से भून लेना है। और जीरा और सौंफ मैंने बाद में डाला है, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी जल जाएगा अदरवाइज, इसीलिए मैंने उसको बाद में ऐड किया। तो अभी ये भून जाएगा सब साथ में। तो यहाँ देखिए अब अच्छे से भून रहा है, ये हो चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा सी बाकी है। तो मैं जब तक शक्कर पीस लेती हूँ 3 टीस्पून, इसमें 3 टीस्पून शक्कर खट्टा मीठा बनाना है। तो हाफ़ टी स्पून हमें सिट्रिक एसिड चाहिए, जो नींबू का फूल होता है ना वो, इसमें खट्टास के लिए मैं वो यूज़ करूँगी। और 3 टीस्पून शुगर पीस कर डालना है, पीस कर डालने से क्या है, सब में वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अभी इसमें मैं सिट्रिक एसिड, हल्दी, पहले हल्दी डालना है इसमें 1/2 टीस्पून। अभी ये पूरा अच्छी तरह भून चुका है, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करना है, और 1/2 टीस्पून सिट्रिक एसिड मतलब नींबू के फूल का पाउडर ऐड करना है, और शुगर ऐड करनी है 3 टीस्पून, वो भी पीस कर ही ऐड करना है। एंड उसको अभी ही ऐड करना है इसी में, अगर हम बाद में ऐड करेंगे ना तो गाइस वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा, ये मसाले फीके फीके लगेंगे। तो अभी ही जब हम भूनते हैं तभी ही इसमें ऐड करना है। ये सिट्रिक एसिड है 1/2 टीस्पून जो पीस लिया था, और अभी 3 टीस्पून शुगर है जो पीस लिया था मैंने, हमारे घर में ना ये सबको बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा जब भी ख़त्म होता है डब्बा भर के रख देती हूँ बनाकर। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए, बना के रखिए, बच्चों को पक्का शोर पसंद आएगा। और इसमें देखिए पोहा मैंने ऐड कर दिया, एकदम पतला वाला पोहा आता है ये चोयडा का, वही ऐड लेना है हमें, मोटा वाला नहीं लेना है। मोटा वाला तो वो फ्राई करके वो अलग तरीके से बनता है, ये अलग तरीके से, ये एकदम बारीक है। देखिए इसी में इसको भूनना है, मैंने इसको स्लो फ्लेम पे मिनिमम मतलब 10 मिनट तो हमें भूनना है इसको अच्छे से, तभी ही अच्छे से मिक्स होगा और अच्छा क्रिस्पी होगा। अगर हमने इसको नहीं भूना सही से तो ये कच्चा कच्चा लगेगा। तो मैंने इसको बहुत भूना है, अब ये मैंने सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून, इसको अच्छे से भूनना है एकदम स्लो पर। तो आप इसको ऐसे ही नहीं जल्दी से नहीं छोड़ना है इसको, तो मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से भूना है, कम से कम 10 मिनट तो भूना है इसको स्लो फ्लेम पे, फास्ट पे नहीं भूनना है इसको, और ना मीडियम पे, स्लो पे ही भूनना है। तो अब ये रेडी हो रहा है, देखिए
थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।